Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajita. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. ये हफ्ता बहुत special है क्योंकि जब Mother's Day week था तो हमने पूरे हफ्ते Mother's वाला content करा था and I loved that you loved it. इसीलिए Sunday को Father's Day है, so I thought कि why not do a whole week which is Baba inspired. और Tuesday video से शुरू करना था तो obviously there is so much that I've learned from my father. इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी. So in today's video I'm going to tell you a few things that I learned from my father. Baba taught me to work hard. Ever since मैंने होश संभाला है, मैंने बाबा को बहुत बहुत मेहनत करते हुए देखा है. मतलब कई बार ऐसे होता था ना कि जब उनकी तबीयत खराब होती थी ना तो हमें बुरा लगता था उनके लिए कि ओहो ये काम पे नहीं जा पा रहे और ये घर पे अटके हुए, इनको आराम करना पड़ रहा है. क्योंकि नॉट ओनली डिड ही वर्क हार्ड, वी कुड सी हाउ मच ही एंजॉयड वर्किंग हार्ड. इसीलिए जितनी बार भी कोई मुझे बोलता है ना कि प्रारिता यू वर्क वेरी हार्ड, सो इट्स अ वेरी पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट फॉर मी, इट्स अ वेरी पर्सनल कॉम्प्लीमेंट फॉर मी जब मुझे ऐसे कोई बोलता है, क्योंकि मैंने अपने पापा से वो सीखा है. एंड अभी भी जब वो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं तो वो पागल हो रहे हैं घर में. मतलब एक स्क्रू, एक कोई लाइट बल्ब, एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कुछ भी लूज या खराब हो. हमने बैठ के सब कुछ लॉकडाउन में साफ कर दिया, बिकॉज ही नीड्स टू बी ऑक्यूपाइड, ही नीड्स टू कीप वर्किंग. एंड नॉट जस्ट एट वर्क, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया दैट यू हैव टू वर्क हार्ड एट रिलेशनशिप्स, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर मेंटल पीस, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर बॉडी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर करियर. एवरीथिंग इज हार्ड वर्क, नथिंग कम्स ईजी, एंड आई हैव लर्न दैट फ्रॉम माई फादर. बाबा ने मुझे सिखाया कि लोगों को वैसा ट्रीट करो जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हें ट्रीट करें. आई रिमेंबर स्कूल में देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. एंड आई वॉज अगेन वेरी डोसाइल पर्सन इन स्कूल. मतलब मैं किसी से पंगे नहीं लेती थी, कुछ नहीं होता था. अगर कोई मुझे बुली, लकीली टच वर्ड फॉर मी, नो बड़ी बुलीड मी मच, बट अगर कोई ऐसे दिखाने की कोशिश करना, आई टू बैक ऑफ. लेकिन मुझे उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता था. जब मैं घर आके बाबा को बताती थी कि बाबा यू नो आज फिर से उसने ऐसा किया, बाबा आज फिर से उसने, तो मैं गुस्सा उनके सामने दिखाती थी मेरा कि मैं ना ऐसा करने वाली हूँ, अब उसने ऐसा किया ना मैं ये करके दिखाऊंगी, तब उसको पता चलेगा. और उस टाइम पे मुझे बाबा ने बताया था कि पहली बात तो द मिनट यू गेट टू द सेम लेवल एज समवन हु इज नॉट नाइस टू यू, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ यू. तो अगर तुम उसको कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम बिल्कुल उसके जैसे बन चुके हो. सो ट्रीट हर लाइक यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. इसीलिए मैंने कभी उस लड़की से रूडली बात नहीं करी, मैंने कभी लड़ाई नहीं करी. वो अगर मेरे से कुछ रूडली बोल जाती थी, आई यूज़ टू बैक ऑफ. एंड आई रियलाइज दैट दैट वॉज ओनली गुड फॉर माई मेंटल पीस, दैट वॉज ओनली गुड फॉर मी. उससे मुझे नहीं पता उसमें उसकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं. इट वॉज ऑल अबाउट मी एंड इट वॉज ऑल अबाउट स्टेइंग हैप्पी एंड यू नो living a life where you don't hold on to grudges or you don't become sour or you don't get negative no matter what. तो कितनी बारी जब मुझे सब बोलते हैं ना कि are you really that happy or is this just an act, मतलब इतना कोई खुश कैसे हो सकता है, how are you always this happy, is because I do it for myself. I have learned this from my dad that it doesn't matter what people say about you, how people are treating you, be happy for yourself because you have to live in this mind of yours for the rest of your life. You have to carry this body around. If you carry it with hate, it's a horrible way of living. So it doesn't matter how someone treats me. और बाबा ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, तुम उन्हें वैसे ट्रीट करो जैसे तुम ट्रीट होना चाहते हो. सिमिलरली बाबा टॉट मी टू स्माइल नो मैटर वॉट. मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली और हमने हमारे वी हैव सीन आवर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स. हमने कुछ बहुत मज़ेदार अप्स देखे हैं, कुछ बहुत डरावने लोज देखे हैं. जब मैंने अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है, मेरे पेरेंट्स को जस्ट ट्राइंग टू गेट एंड्स टू मीट, जस्ट स्ट्रगलिंग टू कीप द फैमिली टुगेदर, लेकिन मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं है जब मैंने देखा कि बाबा का स्पिरिट टूट गया या बाबा गेव अप और बाबा डिडंट हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस. वो हमेशा मुझे यही बताते थे, वो कहते थे कि यू देर आर टू वेज ऑफ गेटिंग थ्रू स्ट्रगल्स, या तो यू स्ट्रेस अबाउट इट, या तो यू गेट वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट इट, या तो यू लेट दैट लो इन लाइफ टेक ओवर यू, और यू डील विथ इट विथ अ स्माइल, यू नो. एंड इट इज जस्ट, इट्स सच अ सिंपल फिलॉसफी, बट इट हैज गॉट मी टू गेट थ्रू सो मैनी थिंग्स इन लाइफ, सो मैनी थिंग्स इन लाइफ. तो बाबा टॉट मी टू स्माइल नो मैटर वॉट.
बाबा टॉट मी एन एफिशिएंट वे टू लर्न इंग्लिश. जैसे मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ, मम्मा बाबा ने मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मम्मा इज ऑल्सो फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाबा इज फ्रॉम अ मराठी मीडियम स्कूल. इस चक्कर में उनका ना इंग्लिश वॉज नेवर दैट गुड, क्योंकि इंग्लिश वैसे सिखाई नहीं थी उनकी स्कूल में. बाबा टॉट हिमसेल्फ इंग्लिश बाय गेटिंग टेन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंग्लिश मूवी सीडीज विद सबटाइटल्स. तो हम एक ही मूवी बार 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 देखते थे, फिर कभी कभी बीच में सबटाइटल्स बंद कर देते थे, कभी कभी बिना सबटाइटल्स के देखते थे, फिर सब. तो सुन के और पढ़ के उन्होंने अपने आप को इंग्लिश सिखाई. और भले ही मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही थी, बट जब मैं घर आके बाबा के साथ ये सारे मूवीज देखती, मेरे को तो आधे मूवी समझ भी नहीं आते थे, बट ऐसे सिट विथ हिम एंड वॉच देम ऑल, एंड आई फील लाइक दैट हैज गिवन मी अ गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज. I mean, I really, really, really want to thank him because he taught me how to learn English efficiently, you know, without any textbooks and doing what I love doing, watching movies. Baba taught me कि गलतियाँ करते रहो और हर गलती से सीखते रहो. मैंने जितनी बारी भी कोई गलती करी है, I don't remember any time when I have been scared to tell my father कि मैंने ये गलती कर दी है. क्योंकि डांट तो पड़ती थी, फ़ोन ले लिया जाता था, टीवी प्रिविलेजेस छीन लिए जाते थे कि अब तुम नहीं देखोगे, आई वॉज ग्राउंडेड, फ्रेंड्स को नहीं मिलना, कुछ नहीं जाना, वो सब तो था. पर जितनी बारी भी मैं गलतियां करती थी और मेरे बाबा को आके बताती थी ना, बाबा यूज़ टू टेल मी व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम इट. इट कुड बी द स्मॉलेस्ट मिस्टेक, बट समहाउ बाबा वुड ऑलवेज फाइंड अ वे ऑफ टेलिंग मी कि ये तुमने गलती करी, इसमें तुमने ये सीखा है, अब तुम्हारे ऊपर है कि ये सीख लेके तुम आगे बढ़ो और नई गलतियां करो, या यही गलती बार बार करते रहो. एंड दैट्स अ विशियस साइकिल यू आर स्टक इन. सो विच इज व्हाई एवरी टाइम आई मेक अ मिस्टेक आई फील बैड, आई डोंट पैनिक, या आई डोंट गेट इन अ प्लेस लाइक ओह शिट ओह शिट क्या कर दिया मैंने, क्या, आई डोंट गेट इन दैट प्लेस बिकॉज ही हैज समहाउ टॉट मी टू इवैल्यूएट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ वे टू लर्न फ्रॉम life, you know what I mean? My baba is a genius, I'm telling you. Baba taught me to be independent, completely independent. उन्होंने कभी किसी भी चीज के लिए मुझे किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखाया. इट वॉज नेवर कि यू नो इफ यू रियली नीड टू हैव फ्रेंड्स अराउंड बिकॉज यू नीड समवन टू कन्फाइड इन. On days when I didn't feel like talking to my friends, Baba got me a diary. He's like, "Isme likho, whatever you're feeling, write here. Deal with your own things, deal with your own problems. Having friends is great, but on days when you want, on days when you know maybe you can't meet friends or your friends are busy with something else, you don't want to break down as a person. So be independent. When it came to dealing with problems, kitni bari. When I was going through lows मेरे काम को लेके, Baba never sat me down and said कि चलो बात करो, let me help you, let me tell you what to do, या फिर चलो किसी से मिलते हैं, चलो figure out करते हैं क्या करना है. He never did that. He always told me that you are very capable of figuring this out on your own because you got yourself in it in the first place. He taught me how to be independent at work. He taught me everything. घर के काम सारे मम्मा बाबा ने मुझे बचपन से सिखाए हैं. आई कैन कम्प्लीटली सर्वाइव ऑन माई ओन. एंड मोर देन लाइक द फिजिकलिटीज ऑफ इट, आई फील लाइक जस्ट इन माई हेड आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर मोस्ट पार्ट्स बिकॉज आई सॉ माई फादर टीच मी हाउ टू बी इंडिपेंडेंट. बाबा टॉट मी टू टेक फेलियर वेरी लाइटली. सेम मिस्टेक्स वाली चीज थी, जितनी बारी भी फेलियर हुआ था, जितनी बारी भी यार बचपन में ना जब स्कूल में ओपन हाउस वगैरह होता था, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. मैं कभी आई वॉज नेवर टू लो अबाउट, आई वॉज नेवर हाई अचीविंग अदर देन इन लैंग्वेजेज, आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर इन लैंग्वेजेज. तो जितनी बारी भी बाबा आते थे ना, बाबा मुझे बोलते थे कि यार चाहे जो हो जाए तो एवरेज मत रहे. I'm not pressurizing you to be above average. You can be below average also. That's fine. You want to be below average, you want to be... But whatever it is in life, don't be average. तो जितनी बारी I have my lows, कभी कभी लगता है कि यार videos चल नहीं रहे क्या, यार कोई देख नहीं रहा क्या, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अभी below average week चल रहा है, कोई बात नहीं, someday I'll cross over to above average. When I have a good week, I feel like, okay, this is an above average week. तो उन्होंने मुझे वही सिखाया कि failure को बहुत lightly लो, but learn a lot from it and don't be average. And finally, Baba taught me that nothing, absolutely nothing matters more than family. I've seen my father do things for family members who didn't give two shits about him. Matlab, they have not been nice to us. They have not
done anything for us. They have not been there for us. But Baba has always been there for them. Baba has always gone out of his way for his family, for his friends, for his tribe. He has always been there standing strong, no matter what, without any expectations from anybody else. And the reason I am making this video is because, like, he's in the next room. I can just go and tell him this. But I'm making this video because everybody deserves to know what fathers do for us. You know, they go out of their way on a limb to make everything and anything happen. So I'm making this video because I've said thank you to my Baba. I want you all to go and hug your dads and thank them for being the super heroes that they are. They are amazing. And every now and then it wouldn't kill us to just go and hug them and say, thanks, Baba. I really appreciate that you've done so much for me and you keep doing so much for me. And I promise to make you proud. Oh, I love Real Talk Tuesdays, guys. Hug time. There you go. That was nice. What is the one thing you've learned from your father? Sharing is always amazing. The comment section is a beautiful place to share. Please, niche jaake comment karo aur apne papa ko jaake jhappi aur pappi de dena, please. पूरे हफ्ते और उसके बाद भी इससे पहले भी करने नहीं होगे तो कर देना. आई विल सी यू अगेन ऑन थर्सडे विद अनदर डैड वीडियो. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. आई एम गोना शूट इट टुडे और टुमारो आई थिंक. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यू शुड डू दैट. इट्स सो फ्री. आई विल सी यू अगेन ऑन थर्सडे. एंड वी मीट. लव लव.